गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से। आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का वितान से जो हम पढ़ा रहे थे अतीत में दबे पांव, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पे बता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है ना, कह रहे हैं सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतर के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तुकला को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। कह रहे हैं यहाँ पे सभी दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतर के पीछे यानी पश्चिम में हैं। ठीक है, सभी जितनी भी जरूरी हैं, इनमें प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा भवन है, ज्ञानशाला है, कोठार हैं। सोचिए उतने पुराने में यह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। वहाँ का उस टाइम का जो वास्तु कौशल था, उस चीज़ को ये जो अनुष्ठान का महाकुंड है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस अद्वितीय वास्तुकौशल के लोग थे और वास्तुकला किस दर्जे पर थी उस टाइम में। ठीक है, असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। कह रहे हैं कि इसलिए इसको हम लोग प्रमाण बनाते हैं, क्योंकि और सब चीज़ें तो मतलब कि धीरे धीरे खंडहर के जैसे हो गई हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ विलीन होता चला जा रहा है, लेकिन एक यही निर्माण उनका, यही जो है कि अपने थोड़ा सा एकदम मूल स्वरूप में से जैसा वो बना था उसके नज़दीक ही अभी तक पड़ा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं उसी के जैसा मतलब लगभग पड़ा हुआ है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। और कह रहे हैं बाकी जो इमारतें मिली हैं, कह रहे हैं वो इतनी उजड़ चुकी हैं कि कल्पना और जो और बची हुई चीज़ें हैं और हम अपने काल्पनिकता से उन चीज़ों को जोड़ के उनके उपयोग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस प्रकार से खुदाई में डायनासोर के मिले थे अस्थि पंजर, तो वैज्ञानिकों ने उसको जोड़ा और उसके बाद उसके ऊपर स्किन लगाया और उसके बाद से फेस और सब चीज़ बनाया और उसके बाद ना पाया कि नहीं इतना बड़ा जानवर उस टाइम हुआ करता था अपने अंदाजे से, अपनी कल्पना से। ठीक है, तो उसी तरह से जो इमारतें हैं वो उजड़ी हुई हैं, उसको अपनी कल्पना से ये लोग जो है कि जोड़कर उसके उपयोग का अंदाज़ा लगाते हैं। कह रहे हैं नगर नियोजन की मोहन जोदड़ो अनूठी मिसाल है। और कह रहे हैं नगर नियोजन की बात करें तो मोहन जोदड़ो उसकी अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। और कह रहे हैं इस कथन का जो मतलब है, आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए आसानी से भांप सकते हैं। ठीक है ना, जब चबूतरे से आप नीचे देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से नगर नियोजित किया गया था उस टाइम में। इमारतें भले खंडहर में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कें और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडहर काफ़ी हैं। कह रहे हैं भले इमारतें ढह चुकी हैं, खंडहर का रूप ले ली हैं, लेकिन जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को विस्तार और स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है। मतलब पता चल जाता है कि वो भले खंडहर है, लेकिन वो खंडहर बताता है कि किस तरह से नगर का नियोजन था उस टाइम में। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। कह रहे हैं यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं वो लगभग या तो क्या बोलते हैं, सीधी हैं या तो फिर वो आड़ी हैं। ठीक है, टेढ़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं, वास्तुकार इसको ग्रिड प्लान कहते हैं। और ये बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में है, जैसे नोएडा में, गुड़गांव में, अपने देश में आपको, और मुंबई में चले जाइए तो इस तरह के शहर जो है कि नियोजित किए हुए आपको दिखते हैं। जो आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियाँ हमें जो है कि क्या बोलते हैं, आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। और जो ये सेक्टर वाला होता है ना, आप जयपुर में भी चले जाएंगे, चाहे कहीं पे भी जाएंगे, आपको सेक्टर के हिसाब से जहाँ पे भी ये सब कॉलोनियाँ बसी हुई हैं वो वही ग्रिड प्लान ही कहलाता है। कह रहे हैं कि
काफ़ी जो है कि आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, इसलिए दोनों को लोग मिलाते हैं कि जो आज का है वो उस टाइम ही उन लोगों के दिमाग में था, इस तरह का बनता था। कह रहे हैं लेकिन वह रहन सहन को निरस बनाता है, लेकिन कह रहे हैं रहन सहन जो है उससे बिना रस का हो जाता है ना, जैसे घर के सामने ही मार्केट लगे, लाइक ये वो इस तरह से सेक्टर वाइज होता है, तो किसी सेक्टर में लोग रहते हैं, किसी सेक्टर में मार्केट होती है, तो उस सेक्टर जाना आना मतलब ये सब बहुत भीड़ भाड़ लगता है ना, एक टाइम मिले तो जाओ, बहुत दूर है, कोई चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप तुरंत नहीं कर पाओगे। कह रहे हैं शहर में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। कह रहे हैं कि शहर में नियोजन के नाम पे हमको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आक्रोश दिखाई देता है, भीड़ भाड़ ही हाथ लगती है, ठीक है, जो नियोजन है उससे बहुत ज़्यादा कुछ बैलेंस नहीं होता है। कह रहे हैं कि ब्रासिलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद दृढ़ शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, और कह रहे हैं ब्रासिलिया चंडीगढ़ इस्लाम ये सब ग्रिड शैली शहर के जो है कि आधुनिक नगर हैं, और कह रहे हैं कि ये सब जो है कि नगर नियोज आधुनिक नगर नियोजन के जो है कि प्रमाण ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है इस पर बहुत शंका की जाती है। कह रहे हैं लेकिन जो लोग जो वो शहर बसाए गए हैं वो कितना विकसित हुए हैं और कितना जो है कि क्या बोलते हैं विकसित होने का कितना उसमें जगह या ठहराव है, इस चीज़ पे शंका की जा सकती है कि इस शहर शैली में ये जो बसाने का ग्रिड प्लान से शहर को बसाने का है, इससे कोई विकास कुछ खासा हमको दिखाई नहीं देता है। कह रहे हैं इस पर कुछ शंका होती है कि मतलब इससे बहुत आसानी नहीं होती है, और नहीं तो लोगों के जीवन में लोगों को आक्रोशता ही दिखती है, अराजकता ही प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, और कह रहे हैं मोहनजोदड़ो की जो साक्षर सभ्यता थी वो एक सभ्रांत समाज की स्थापना थी, मीन सभी लोग सुसंस्कृत थे, ठीक है, और साक्षर थे, लेकिन उनमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। और कह रहे हैं कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि उन लोगों में नगर नियोजन और वास्तुकला की कितनी भूमिका थी, स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती, और कह रहे हैं स्तूप वाला जो चबूतरा उसके पीछे जो है कि गढ़ है, किला है, और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, मतलब उच्च और निम्न और मध्यम इसमें उस टाइम में लोग विभाजित थे मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। तो कह रहे हैं बस्ती थी, उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती थी, और उसके पीछे कह रहे हैं 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती थी। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। कह रहे हैं पूरब की इस बस्ती से जब दक्षिण की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं और पीछे घूमते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हर तरफ मोहनजोदड़ो के खंडहर हमको दिखते हैं। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती, और कह रहे हैं दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जो इकट्ठा लगा हुआ कतार है वो कह रहे हैं कि ये कामगारों के काश्तकारों की बस्ती लगती है। कहा जाता है इतर वर्ग की, मीन्स ये क्या बोलते हैं निम्न वर्ग की थी। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, और कह रहे हैं संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था। कह रहे हैं कि निम्न वर्ग के घर कहते हैं इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे। कह रहे हैं संपन्न समाज के भी वर्ग यहाँ पे होंगे, और कहते हैं क्या निम्न वर्ग के लोग नहीं होंगे, और निम्न वर्ग के जो घर हैं इतने मजबूत, कह रहे हैं जितना उच्च वर्ग के मजबूती से घर बने होंगे जो अभी भी हमको खंडहर के समान अवशेष के रूप में प्राप्त हैं, और अपनी कल्पना से हम उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या व्यवस्था रही होगी। तो कह रहे हैं क्या निम्न वर्ग के घर नहीं रहे होंगे, और क्या निम्न वर्ग के घर अगर हमको दिखाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि वो इतने मजबूती से नहीं बने होंगे कि आज भी उसके अवशेष हमको प्राप्त हों। कह रहे हैं कि होंगे कि 5000 साल टिक सकें, वही बात जो मैंने कहा कि 5000 साल टिक सकें, इतनी मजबूती से नहीं बसे होंगे, उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी, और कह रहे हैं हो सकता है उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। कह रहे हैं यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के एक तिहाई हिस्से की खुदाई ही हो पाई हो, और कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि इस 100 साल में
केवल एक तिहाई हिस्से की खुदाई हो पाई हो और अब वह भी बंद हो चुकी। कह रहे हैं हो सकता है वो अब भी खुदाई के अंदर दबे हों, निम्न वर्ग के घर। ठीक है, 100 साल में 1/3 ही खुदाई हो चुका है और खुदाई भी अब बंद हो चुकी। हो सकता है उसके नीचे ही वो बस्तियां दबी हों। हम पहले स्तूप के, इन्होंने निम्न वर्ग के बारे में बताया नहीं, इसलिए इन्होंने इतना क्लेरिफिकेशन दिया है। ठीक है, और उच्च वर्ग को बता दिया और जितने अनुष्ठानिक जो है कि वो थे, स्तूप है, अनुष्ठानिक कुंड है, लाइक संसद और ये सब चीज़ें सब तो बता ही दी हैं। आगे कह रहे हैं, हमने पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे, और कह रहे हैं अब हम स्तूप के टीले से महाकुंड का जो है कि क्या बोलते हैं, महाकुंड को घूमने के लिए उस दिशा में उतरे। दाएं तरफ एक लंबी गली दिखती है, और कह रहे हैं दाएं तरफ एक लंबी गली हमको दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग रखा है। ठीक है, और कह रहे हैं इस महाकुंड, इसके आगे महाकुंड है जो लंबी गली दिखती है, और कह रहे हैं पता नहीं ये संयोग है या ये जानबूझ के किया गया है कि उस जो मोहनजोदड़ो के धरोहर के जो प्रबंधक थे, जो जिन्होंने शहर को बसाया था, उन लोगों ने उस गली का नाम ही देव मार्ग रख दिया है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था, और कह रहे हैं कि माना जाता है कि वो जो क्या बोलते हैं उस सभ्यता में कि जो सामूहिक स्नान किया जाता था वहाँ पे महाकुंड में, वो किसी अनुष्ठान का अंग होता था। मीन्स कोई पूजा पाठ का कोई वो विशेष अंग होता था जिसके लिए लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं स्नान करते थे इकट्ठे। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, और कह रहे जो कुंड है वो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट है, और कह रहे हैं जो उसकी गहराई है वो 7 फुट है। कुंड में उत्तर दक्षिण की सीढ़ियाँ उतरती हैं, और कुंड में कह रहे हैं उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके तीन तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानाघर, और कह रहे हैं इसके दक्षिण और उत्तर की तरफ सीढ़ियाँ हैं और तीन तरफ इसमें कुंड के साधुओं के घर बने हैं, और कह रहे हैं कि उत्तर में 2 पांत में मतलब 2 लाइन में 8 स्नानाघर है, मीन्स 8 बाथरूम है, और इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। और हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं, बना देते हैं ना कि एक दूसरे के सामने हम लोगों का सामने खुलता है, तो उस टाइम के इंजीनियर इतने मतलब वो थे, इतना उनके अंदर मतलब नॉलेज था कि एक दूसरे के सामने दरवाज़ा नहीं खुलता था बाथरूम का, कि कोई किसी का मतलब किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कैसे नहा रहा है कैसे निकलता है। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है, और उनकी वास्तुकला को सिद्ध करता हुआ यह भी एक नमूना है। कह रहे हैं इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है, और कह रहे हैं इस कुंड में जो खास बात है वो पक्की ईंटों से जो बनाया गया है उसका जमावड़ा है, वह इसकी खास बात है। कुंड का पानी रीस ना सके, बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में आ ना सके, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है, और कह रहे हैं कुंड का पानी कहीं और रीस के ना जाए। जैसे नहीं पानी में भाव फूट जाती है और इधर उधर पानी जाता है, या फिर बाहरी कोई पानी पानी में आ जाता है भाव फूट के या कहीं से भी, तो ये रीसने वाली बात ना हो सके और पानी अशुद्ध ना हो सके कुंड में, तो कुंड के तल में और दीवारों पर क्या किया गया है, ईंटों के बीच में चूने और चिरोड़ी का मतलब ये चिरोड़ी और जो चूना होता है इसका गारा बहुत मजबूत होता है, इस गारे का प्रयोग किया गया है। जैसे कहीं कहीं सुर्खी का प्रयोग किया जाता है गारे के लिए, ईंटों के जोड़ के लिए, कहीं कहीं सीमेंट का। ठीक है, तो सुर्खी सीमेंट से कमज़ोर होती है, और मिट्टी का कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है, तो मिट्टी सबसे कमज़ोर पाई जाती है, लेकिन ये जो चूना और चिरोड़ी होता है ये ज़्यादा मजबूत होता है। कहते हैं पहले के पुल वूल का निर्माण होता था तो चने और गुड़ के गारे का इस्तेमाल होता था, वो बहुत मजबूती देता था। ठीक है, आज भी उसके पुल सही पड़े रहते हैं, तो सोचिए कि चना और गुड़ कितना महंगा भी तो होता है ना। कह रहे हैं इसका इस्तेमाल होता था, पार्श्व की दीवारों के साथ
दूसरी दीवारें खड़ी की गई थी और अंदर की दीवारों के साथ दूसरी दीवारें भी खड़ी की गई थी, जिनमें सफ़ेद डामर का प्रयोग होता था। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, और कह रहे हैं कुंड के पानी के इंतजाम के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है, और कह रहे हैं डबल घेरे वाला यह अकेला कुआं है, इसमें भी कुंड के पवित्र व आनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है, और ये भी पवित्र है और अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था और अनुष्ठान का प्रमाण ये देता है, ठीक है, प्रमाण मान दिया गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं, और कुंड में जब पानी गंदा हो जाता था तो उस पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत ये है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हैं, और कह रहे हैं इसकी क्वालिटी ये है कि ये पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी हुई भी हैं। आज देखिए हम लोग के यहाँ कैसे खुली नालियाँ हो जाती हैं, कच्ची नालियाँ हो जाती हैं ना, और शहरों में भी देखा जाता है प्रायः वैसे ही खुली बहती हैं, लेकिन उस टाइम में देखिए इतना सफाई, इतना वास्तु कला का जो है कि प्रदर्शन हुआ है। तो ये सच में यथार्थ बयां करता है कि ये सच में यथार्थता थी कि उस टाइम के लोग साक्षर थे और इस तरह से सभ्यता और सुसंस्कृत सुसज्जित थे, और वास्तुकला के वो लोग किस तरह के ज्ञाता थे और हर चीज़ को किस तरह सुनियोजित तरीके से वो लोग करते थे, ठीक है।